गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की आपकी ऐसी एक्टिविटी नंबर 2 है जिसमें आज हम सीखेंगे फ्रैक्शनल नंबर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया है, अब हमने एक शीट ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, होल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको फ्रैक्शन से आज हम क्या बनाएंगे, अपना हाउस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले हमें क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है और फिर इसको सीजर से कट करना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर शेप में इसे कट करना है सीजर की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से हमारा स्क्वायर तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे ग्लू की मदद से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर को कट करके क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसकी हाउस की क्या बनाएंगे, रूफ। रूफ बनाने के लिए हम दूसरी शीट लेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्राइंगल शेप में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सबसे पहले स्क्वायर शेप में काट के, अब इसका हम क्या करेंगे, 1/2 हाफ कर देंगे इसका ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ओके, अब क्या किया हमने, ये इसको रेक्टेंगल शेप में क्या किया है, कट किया है, और इसको अब हम फोल्ड करेंगे 1/3 पार्ट में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो हमने 1/3 इसको फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो क्या किया हमने, इसको 1/3 पार्ट में यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक शीट लेके इसको स्क्वायर शेप में काटना है और इसको 1/4 इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ग्लू की हेल्प से। ये हमारी बन जाएगी विंडो। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको हमने किया 1/2 में, ठीक है, और इसको किया हमने 1/3 और इसको यहाँ पे 1/4, और ये हमारा पूरा जो क्या बना है, होल बना है। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन से हाउस बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा क्लाउड्स ड्रॉ कर देंगे और बर्ड्स ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हाउस के पास क्या होते हैं, कुछ अलग से डिफरेंट चीजें भी होती है ना, जैसे क्लाउड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो अब हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अब हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा और आप सब इसको बना के ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।